गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर रंजीता मैम। आई होप एवरी वन विल बी फाइन इन योर होम। ओके, नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर 10 ऑल द क्वेश्चन आंसर। आई होप यू ऑल्सो डन, यू आर ऑल्सो डन इन योर बुक्स एंड इन योर कॉपी। मुझे आशा है सभी ने अपने कॉपी और बुक्स में बना लिया हो। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो गिवेन यू इन प्रीवियस वीडियो, मैंने दिया था। आई होप सभी ने लिख लिया हो 1 to 5 क्वेश्चन। अगर नहीं लिखा है प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो एंड देन यू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। ओके, आप जाइए पिछले वीडियो में देख के और सारा क्वेश्चन आंसर लिखिए अगर आप नहीं लिखे हैं तो, इफ़ यू नॉट राइट। ओके, नाउ टुडे लेट्स वी सी समथिंग एक्टिविटीज। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन सी अ पिक्चर, हेयर इज़ अ गेम। एक्टिविटीज़ में एक गेम बनाया हुआ है। हेयर इज टू चिल्ड्रेन। ओके, एंड इन अदर साइड अ काइट, यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो। तो सो लेट्स वी सी इट। अ ब्रीज हेल्प अस फ्लाई अ कैट। ओके, हेल्प बंटी एंड टीना टू रीच द काइट। हवा जो है काइट को उड़ा रही है। यहाँ पे बंटी और टीना नाम के दो बच्चे हैं, इनका हेल्प करना है। ओके, यू कैन हेल्प हेल्प देम, आप इन्हें मदद करोगे टू रीच द काइट, काइट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो हेल्प कैसे करोगे? सो आपको यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड द वे व्हेन यू रीच द काइट। यहाँ से आपको जाना है पेंसिल की मदद से, और किस रास्ते से आप जाओगे कि आप काइट तक पहुँचोगे। ठीक है, आई होप एवरी वन इन्जॉयड, मुझे आशा है सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि उनको मज़ा आने वाला है। क्यों? ओके, तो आप इसमें इसे बनाइए। इन नेक्स्ट थिंग इज फन टाइम, लाइफ स्किल है। ओके, तो ये आपको अपने लाइफ में देखना है कि क्या होता है। डर्टी एयर मेक अस सिक, जो गंदी हवा रहती है, प्रदूषित हवा, वो क्या करती है? हमें बीमार करती है। इम्प्योर एयर कैन काउज ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स, जो दूषित हवा होती है वो हमारे वो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये आप देख सकते हो अपने जीवन में। ओके, इन फन टाइम कलर द पिक्चर इन विच एयर इज बीइंग पॉल्यूटेड। लुक एट हेयर, हेयर इज फोर्थ पिक्चर। ओके, वन इज हेयर, अ गर्ल इज प्लांटिंग द प्लांट, वाटरिंग द प्लांट। ओके, ये क्या कर रही है? प्लांट को पानी दे रही है। ओके, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट पिक्चर हेयर इज सम ट्रैफिक एंड एयर पॉल्यूटेड, जो कि हवा को दूषित कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में। लुक एट हेयर, हेयर इज फायर, आग जल रहा है। लुक एट दिस पिक्चर, हेयर इज वन मैन हु इज स्मोकिंग। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? स्मोक कर रहे हैं, जिससे दूसरा जो है वो उसको परेशानी हो रही है। ओके, सो आपको क्या करना है? कलर द पिक्चर इन विच एयर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, आपको दिख कलर करना है इस इन चारों पिक्चर में से, उसे कलर करना है जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। यू कैन सी क्लियरली द फर्स्ट पिक्चर इज इन फर्स्ट पिक्चर हेयर इज़ नॉट एयर पॉल्यूटेड, यहाँ पे हवा प्रदूषित नहीं हो रही है क्योंकि ये प्लांटिंग ये वाटरिंग कर रही है प्लांट को। इन सेकेंड पिक्चर एयर इज़ पॉल्यूटेड, यस। तो आप इसे इस पिक्चर को कलर करोगे, यू कलर इट
what you want. Okay, now the second picture. Here is fire. आग जलने से भी एयर पॉल्यूशन होता है. सो यू ऑल्सो कलर इट. देन द सेकेंड देन द फोर्थ पिक्चर इज, यहाँ भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि स्मोकिंग जो है इट इज़ इंजीरियस फॉर आवर हेल्थ एंड ऑल्सो डेंजरस इन एयर पॉल्यूशन. ओके, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड एयर पॉल्यूटेड. एयर पॉल्यूशन ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है. सो यू ऑल्सो कलर इट. ओके, आई होप इन्जॉय इट, यू इन्जॉय इट, आप इसे कर लोगे. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11. सॉरी, टुडे इज नॉट स्टार्ट चैप्टर 11. आई गिव यू सम क्वेश्चन फॉर रिविज़न. ओके, चैप्टर 11 मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी. टुडे आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द चैप्टर वी हैव कम्प्लीटेड. जो हम लोगों ने कम्प्लीट कर चुका है उसमें से आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको याद करने हैं और लिखने भी हैं. ऑल्सो राइट इट. सो द लेट्स विल सी. फर्स्ट यू राइट इन फेयर कॉपी रिविज़न फॉर रिमेंबर. ओके, नाउ राइट द हेडिंग रिविज़न फॉर रिमेंबर. नाउ राइट इन कॉर्नर द डेट ऑफ टुडे. नाइन्थ होगा सेप्टेम्बर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द हेडिंग गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, वाई शुड वी नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. हमें अजनबी से बातें नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं करनी चाहिए? ओके, सेकेंड, वाई शुड वी फॉलो द सेफ्टी रूल. हमें सेफ्टी रूल क्यों फॉलो करनी चाहिए? ओके, द थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड वी बाथ एवरी मॉर्निंग. हमें रोज़ सवेरे क्यों नहाना चाहिए? फोर्थ इज, वाई इज़ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए? फिफ्थ इज, वाई डू वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है रहने के लिए? ओके, द सिक्स्थ इज, व्हाट इज एन आइडियल हाउस. एक आदर्श घर कैसा होता है, क्या होता है? सेवन्थ, वाई डू वी नीड क्लोथ्स. हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एट, हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन. हम हवा को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? ओके, दीज आर द सम क्वेश्चन फॉर रिविज़न ऑफ योर चैप्टर. ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप लोगों को, आई होप एवरी वन डू इट एंड इट हेल्प्स टू यू इम्प्रूव योर मेमोरी. ओके, एंड योर रिविज़न. ये आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसे बनाते हो और इसे याद करते हो. ओके, ये मान के चलो कि ये आपका एग्ज़ाम का मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, नाउ यू राइट इट इन योर फेयर कॉपी इन वन पेज एंड देन यू राइट द आंसर इन फ्रॉम नेक्स्ट पेज. ओके, आप नेक्स्ट पेज से आंसर लिखना शुरू करोगे. क्वेश्चन नंबर दे दोगे या क्वेश्चन लिख लोगे है, उसके बाद आंसर लिख सकते हो. व्हाट यू वांट. ओके, जैसा आपको सही लगे. ओके, नाउ टुडे इज इनफ. नाउ डू इन योर कॉपी, इट इज़ योर होमवर्क. ओके, एंड we will meet in next video and start the chapter 11.